नमस्कार, मैं जिगिसा, जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू की सूखी भाजी, लोचा पूरी और गुजराती स्टाइल लहसुन की चटनी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, चलो जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है और कुकर के अंदर मैं स्टैंड रखूंगी, और स्टैंड रखने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हम डायरेक्ट आलू को बॉईल नहीं करेंगे, इस तरह से छेद वाली जाली रखेंगे और इसके ऊपर आलू रख के इसको बॉईल करेंगे। तो पानी के अंदर ही हमें नमक डालना है, तो जाली को मैं उठाऊंगी एक बार और नमक पानी में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप आलू को बॉईल करेंगे तो आलू बहुत ही बढ़िया से बॉईल होंगे और आलू में पानी की मात्रा नहीं होगी, एकदम पीच पीछे से आलू बॉईल नहीं होंगे, बहुत ही बढ़िया से बॉईल होंगे। तो मैं ये छेद वाले जो जाले हैं इसके ऊपर सारे आलू को रखूंगी, और इस तरह से बनाने से फ्रेंड्स आलू बहुत ही मीठे लगते हैं। आलू के कोई भी रेसिपी बनाए तो इसमें मॉइस्चर भी नहीं रहता और आलू का टेस्ट बरकरार रहता है। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 सीटी में हम इसको पकाएंगे। आप 3 से 4 लगा सकते हैं या 4 से 5 सीटी भी लगा सकते हैं। आलू छोटे हैं तो कम सीटी लगते हैं और बड़े आलू होते हैं तो 5-6 सीटी भी लग जाते हैं। तो गैस में ऑन कर दूंगी, मीडियम आंच पर मैं 4 सीटी में इसको बॉईल करूंगी। तो आलू बॉईल हो जाए इसके बाद जब अपने आप कुकर ठंडा हो तब ही हमें कुकर को खोलना है। तो जब तक हमारी सीटी बजते हैं और आलू बॉईल होते हैं तब तक हम पूरी के लिए आटा गूंथेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप घी का आटा लिया है, ये बारीक रोटी जो हम बनाते हैं वही वाला आटा है। आटे में मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 3 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। लोचा पूरी में ज्यादा तेल नहीं डाला जाता, बस कम ही मात्रा में तेल डालना होता है, क्योंकि इस पूरी को हमें एकदम करारी नहीं बनानी है। फ्रेंड्स, लोचा पूरी होती है वो सब्जी के साथ खाई जाती है और सॉफ्ट होती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाएंगे। आटे को हमें अच्छे से गूंथना है। अगर आप ज्यादा टाइट आटा लगाएंगे तो पूरी फूलेगी नहीं, तो इसका आटा सॉफ्ट लगाना होता है, लेकिन एकदम सॉफ्ट भी नहीं लगाएंगे, रोटी के आटे जैसा ही लगाना है ज्यादातर। इसको बहुत ही बढ़िया से गूंथना है ताकि पूरी हमारी एकदम फूली फूली और सॉफ्ट बने। तो आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, तो मैं ऑयल चिपकाऊंगी। इस तरह से ऑयल स्प्रेड करने से पूरियां हमारी अच्छी सी बनती है और फ्रेंड्स आटा ऊपर से सॉफ्ट बना रहता है। तो ढक के 15 मिनट के लिए मैं इसे साइड में रखूंगी। दूसरी साइड हम हमारे आलू चेक करेंगे। कुकर अपने आप ठंडा हो गया था फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं चाकू एकदम अंदर चला गया, मतलब कि आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो एक एक करके सारे आलू को मैं डिश में निकाल दूंगी। इसके बाद आलू को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। आप देख सकते हैं एकदम सूखे आलू है, ऊपर से बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो 15 मिनट के बाद आटे को हम फिर से एक बार मस लेंगे। इस तरह से मसलने के बाद हम इससे छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बनाने के बाद हम इस लोइये को ढक के रख देंगे और एक एक करके इसका यूज करेंगे ताकि ये एकदम नरम ही बनी रहे, ऊपर से सूख ना जाए। यहाँ पर मैंने पूरी बनाने का मशीन लिया है, तो मशीन से ही मैं पूरी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी बनाने से बहुत ही फटाफट पूरी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट्स ली है, जो प्लास्टिक
हम कपड़े लाते हैं नए तो आता है वो वाला अच्छा वाला प्लास्टिक का ही मैंने यूज किया है। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया था, तो इसको मैं ऑयल से चिकना कर रही हूँ। प्लास्टिक रख के अगर हम पूरी बनाते हैं तो पूरी पतली बनती है और बार बार हमें ऑयल भी चिपकाना नहीं पड़ता है पूरी बनाने के मशीन में। तो आप देख सकते हैं उंगलियां भी मेरी दिख रही है, इतनी बढ़िया सी पतली पूरी बनके तैयार हो गई है। मैं विदाउट प्लास्टिक आपको पूरी बना के भी दिखाऊंगी, वो थोड़ी ठीक रहती है, मतलब कि थोड़ी मोटी रहती है। इस तरह से मशीन से आप बहुत ही जल्दी से फटाफट से ढेर सारी पूरियां बना सकते हैं। पूरी बना के मैं एक डिश में रखती जा रही हूँ और उस डिश को भी हमें कपड़े से ढकना है फ्रेंड्स। अगर तुरंत ही आपको ऑयल में फ्राई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ज्यादा पूरी इस तरह से बना के रखनी है तो आप डिश को ढक भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी फटाफट से पूरियां हमारी बनके तैयार हो रही है। अब मैं विदाउट प्लास्टिक आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इस तरह से मशीन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि पूरी चिपके नहीं। अगर आप थोड़ी मोटी वाली पूरी पसंद करते हो, थोड़ी जाड़ी जो हम गुजराती में जाड़ी बोलते हैं, इस तरह की पूरी बन के तैयार होती है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा प्लास्टिक रखती हूँ ताकि बार बार मशीन के ऊपर ऑयल चिपकाना ना पड़े और पूरी पतली बने। तो आप चाहे तो इस तरह से भी पूरी बना सकते हैं, आप प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक को रख के भी बना सकते हैं। अब इस पूरी को हम गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। तो एक साइड मैंने ऑयल को गर्म होने पे रख दिया है और ऑयल से अच्छे से धुआं निकलने लगा है फ्रेंड्स। तो अब मैं इस पूरी को फ्राई करूंगी। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद ही पूरी को फ्राई करना है ताकि पूरी अच्छे से फूल जाए। अगर ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ हो तो पूरी फूलेगी नहीं। पूरी डालने के बाद हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे, लेकिन पहले हमें फ्लेम को हाई रखनी है। आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल कितनी अच्छी सी बलून की तरह हमारी ये पूरियां बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बना के रखते जाएंगे। फुली फुली और सॉफ्ट पूरियां बनके तैयार हो गई है। दूसरी भी मैं बना के आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से मैं सारी पूरी बना के तैयार कर लूंगी और ऑयल को मैंने निकाल दिया है और थोड़ा ऑयल मैंने कढ़ाई में रख दिया है। इसके अंदर ही हम सब्जी का तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटी चम्मच राई। राई चटकने लगे इसके बाद हम डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद गैस की आंच हम धीमी कर देंगे। जीरा को चटकने में देर नहीं लगती है, उसको बहुत ही कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो पहले राई का तड़का लगाए बाद में जीरे का। अब मैंने करी लीव्स डाल दिया है। करी लीव्स को पानी से धोने के बाद मैंने सुखा लिया था। चुटकी भर हींग डाल दी है और कुछ कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। आप कम या ज्यादा अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी। गरम ऑयल में हल्दी डालेंगे तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगी और सब्जी में इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। दो छोटी चम्मच हम धनिया और जीरा पाउडर डालेंगे। एक छोटी चम्मच से थोड़ा कम हम नमक डालेंगे स्वाद मुजब।
मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे। तो बॉईल किए हुए आलू को मैंने छील के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, तो वो मैं डाल रही हूँ। आलू जब पूरे पूरा ठंडा हो जाए, इसके बाद अगर आप इसको काटेंगे तो क्या होगा कि आलू चिकना नहीं रहेगा और एकदम बढ़िया से खिले खिले आलू की सूखी भाजी बनके तैयार होगी। अगर गरम गरम ही आलू को कट लगाएंगे, काटेंगे, तो वो चिकनापन पकड़ता है और सूखी भाजी एकदम हमारी नरम नरम जैसी बनती है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरी सूखी भाजी किस तरह की बनी है, एकदम एक एक पीस अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस तरह की अगर आलू की भाजी होती है तो खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर 2 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। कसूरी मेथी को मसल के डालूंगी। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना कसूरी मेथी को आप स्किप भी कर सकते हैं। सब कुछ हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से पकने देंगे। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि सब जगह से हमारी लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट आलू में भी पहुंच जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको हिला रही हूँ और ये अच्छे से पक गया है, मसाला सारा आलू में स्प्रेड हो गया है, देखते ही पता चल जाता है फ्रेंड्स। तो जब मसाला और आलू अच्छे से पका हुआ दिख जाए और आपको लगे कि लाल मिर्च भी अच्छे से पक गई है, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को भी पानी से धोने के बाद मैंने एकदम बारीक चॉप करके रख दिया था, तो वो मैं इसके अंदर डालूंगी। धनिया पत्ती आलू की सूखी भाजी में स्वाद को और बढ़ावा करती है फ्रेंड्स, तो आप जरूर से डालें। तो आप देख सकते हैं धनिया पत्ती डाल दी है ढक्कन लगा के। अब हम इसको साइड में रखेंगे, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब हम लहसुन की चटनी बनाएंगे। तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए मैंने छोटा जार लिया है। छोटे जार में लहसुन की चटनी, कोई भी चटनी, बहुत ही अच्छे से पीस जाती है। तो आधी कटोरी मैं इसमें लहसुन डालूंगी। तो लहसुन को छील के पानी से साफ मैंने कर लिया था, धो लिया था। अब मैं इसमें कच्चे मूंगफली के दाने डालूंगी। ये जीरा पाउडर है। लहसुन की चटनी में जीरा पाउडर जरूर से डालें। 1 छोटी चम्मच डाला है, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। थोड़ा हम गुड़ डालेंगे, गुजराती स्टाइल बनाते हैं तो स्वीटनेस तो रहेगी फ्रेंड्स। नमक स्वाद मुजब डाल दिया है। तो अब हम इस चटनी को थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। जरूर मुजब पानी डाल के हमें इस चटनी को पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने चटनी को जरूर मुझे पानी डाल के अच्छे से पीस लिया है और बहुत ही बढ़िया से चटनी पीस के तैयार हो गई है। तो इस चटनी को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये चटनी आप रोटी पराठा के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ भी बहुत बढ़िया लगती है, बघारेले खिचड़ी के साथ भी ये अच्छी लगती है फ्रेंड्स। सारी चटनी मैंने बाउल में निकाल दी है। अब हम इसके ऊपर तड़का डालेंगे। तो तड़के के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा बर्तन लेना है और बर्तन के अंदर हम मूंगफली का तेल डालेंगे। तेल के अंदर मैंने राई, हींग और करी लीव्स का तड़का डाल दिया है, ये सब डाल दिया है। और गरम गरम तड़का हम चटनी के ऊपर इस तरह से डालेंगे और चटनी के ऊपर हम मूंगफली का तेल इस तरह से डालेंगे तड़का में, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो हो सके तो मूंगफली के तेल का यूज करें, गुजराती चटनी है तो ये मूंगफली के तेल में ही बहुत बढ़िया लगेगी। और राई को अच्छे से चटकाना है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल। चुटकी भर इसमें हींग डाली है और करी लीव्स, बस इतना ही डाला है। तो फ्रेंड्स हमारी ये चटनी है, ये बनके तैयार हो गई है। गर्मा गर्म ऑयल मैंने डाल दिया है। इस चटनी को आप एक वीक तक आप फ्रीज में रख के
सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगी? आलू की सूखी भाजी, पूरी और गुजराती स्टाइल लहसुन की चटनी की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।